शैतान सब बोला कहते थे तेरे को, ये बोला बम को बोलोगे। अरे कहाँ गए रिद्धु को? ये पोपोसा गंदे लगे, अच्छे नहीं है। पोपोसा अच्छे नहीं है। हेलो एवरीवन, खमा गणेश एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज मैं ना जल्दी तैयार हो गई सुबह। आप लोगों को पता ही है, बच्चे जब उठते हैं ना तो संजू बहन उनको नीचे लेके चले जाते हैं, मम्मी फिर बाकी उनका संभालती है। तब तक मैं अपने ऊपर काम फिनिश करती हूँ। मैं सोचा नहा धो के नीचे चलती हूँ क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सो रहे हैं, तो इसीलिए मैं रेडी भी होगी क्योंकि हमें एक तो रिलायंस वगैरह भी जाना है, इसीलिए रेडी हुई थी मैं। और अभी चलते हैं नीचे क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो पहले कुछ खाएंगे। तो ये रहे मेरे दोनों बच्चे, ये हमारा गब्बू सो रहा गली में। देखो अंगूठा चूस रहा है, मैं दिखाती हूँ। देखो देखो मेरे आते उठना तेरे बेटा, तेरे को पहले मेरा बच्चा अंगूठा पी रहा था, पीती पीती कर देगी मम्मा। हाँ गंदी बात होती है, अंगूठा नहीं पीते अच्छे। खिल गया मेरा बेटा। हाँ बस इसे ना शाना शाना लेट ना, वरना रिद्धू जग जाएगी। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट बना लिया। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये ना वेज सैंडविच है जिसमें हम प्याज टमाटर खीरा वगैरह डालते हैं ना, वो है। मैं खाऊंगी, बहुत ही भूख लगी। मेरे दोनों टिंग उड़ गए अभी। मैं अभी मेरे खाने एक तरफ देख रहे हैं कि मम्मा क्या खा रही है, देखो गाल पकड़ रहा है रुद्दू। शैतान सब बोला कहते थे तेरे को, ये बोला बम को बोलोगे। उसको देखो, ये दोनों मेरी प्लेट की तरफ देख रहे हैं। नहीं क्या देख रहे हो, मेरी रिद्धि का मुंह तो छोटा सा हो गया। नहीं मम्मा का, आप बड़े हो गए ना तो मम्मा आपके लिए रोज अच्छी अच्छी चीजें बनाएगी। देखो रुद्धु क्या कर रहा है, कि मुझे बड़ा क्यूट लगता था ऐसे अंगूठे को घुमाता ना पकड़ के। रुद्रु रिद्धु नहीं मारना, नहीं भैया को नो। तो प्यारी अच्छी वाली जीजा है ना, अब तो बड़े जीजा हो। हाँ ऐसे छोटे भाई को थोड़ी ना मारते। अरे रे 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 हाँ मारी जीजा। हाँ जय सिया राम। नहीं मतलब अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और विद फैमिली सब लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। संजीवना गाड़ी में गए हैं, दोनों बच्चों को भी लेके जा रही है और मम्मी भी जा रहे हैं। क्यों जा रही है अभी मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। तो पहले रवाना होते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ही लेट हो चुके हैं। हमें जाना था 4 से 5 के बीच में और अभी 5:30 बज चुके हैं और 6 बज जाएंगे निकलते निकलते। दोनों प्यारे प्यारे बच्चे, आजकल नहीं दोनों अपने टॉयज से नहीं खेलते। देखो ऐसे पाउडर का डब्बा ले लो, ये दवाइयों के डब्बे हो गए तो ऐसा कुछ दे दो, उससे खेलते रहते हैं, है ना रुद्धु? अरे वीती ये मेरा स्मार्टी बॉय, स्मार्ट बॉय बनेगा ये मेरा स्मार्ट। और ये मेरी क्यूटी क्यूटी पाई है ये मेरी, इसको भी खा रही है। देख ये दो क्या है, पीती कर देगी मम्मा। हाँ स्माइल कर दो सबको। अरे ये सबको, आप सबको हेलो कर रही है ऐसे। ये हमारे रुद्र ने जाने से पहले शुभारंभ कर दिया, पोटी कर रहा। मैं इसको लेने आई गाड़ी में ले जाने के लिए तो जोर लगा रहा था, मम्मी ने चेक किया तो पोटी करा था, पर डायपर पहना रखा था हमने। बस अब इसको वापस डायपर पहनाया दूसरा। और इधर वो गीत गा रही है हमारी बाईसा। ओ रिद्धि बाईसा कौन सा गीत गाओ? हाँ पता नहीं कौन सा गा रही है भाई, जोर लगा रही है भी। हाँ पोती कर दिया। पोती कर अभी हम लोग जा रहे हैं कन्नू भाई सा के घर पे। क्यों जा रहे हैं? ऑन अर्जेंट बेसिस। क्यों जा रहे हैं? हाँ एक्चुअली कहीं है कि जो कन्नू भाई सा का हस्बैंड मतलब मारा जवाई सा जो है, वहाँ को कोई माइनर एक्सीडेंट हो गो
तो पहली मम्मी बोली कि मैं जाऊं साथ है, माँ पहली तो अकेले जा रहे हो, पाँच मम्मी बोली कि भाई मैं भी जाऊं साथ है, अब बोली कि जब दोनों थे जा ही रहे हो जाना मन कहीं ले रहे छोड़ो, तो बोले भाई थे भी चलो जाना साथ। जब मम्मी वाली जा रहे तो उनका मेरे को बच्चों को भी ले चलो हम भी मिलाएंगे पैसा से। और वैसे भी हमारे दोनों बच्चे कभी कन्नू के घर पे गए नहीं, फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम है जब बच्चे ना, मतलब शायद 4-5 दिन हो गए एक्सीडेंट को, कन्नू से ने हमको बताया नहीं, बताया नहीं, कल हमें निकू वैसा ने बताया और फिर बताते फिर मम्मी बोले नहीं मेरे को तो जाना है, तो वैसे तो जमाइसा ठीक है बट हमने सोचा एक बार मिलके आना चाहिए तो इसलिए हम लोग जा। देखो जी ब्याह का मायने चाहे जाओ मत जाओ, पर कोई का मतलब दुख या कोई इनकी तकलीफ हो तो जरूर जाना चाहिए, पर वैसे भी इस बहाने मिल भी लोगे, मिल भी लेते हैं। कन्नू मारगन फोन करी बोले 6 बज रहा है, बोले ते आई कौन है, मैं बोले जितो जितना बजे को ए टाइम देवे ने जो 2 घंटा एक्स्ट्रा लगा चले अगर तू अपना कोई नहीं पास में कन्नू से तो पीछे हमारी मम्मी बैठी है, अरे मम्मी और रूह दादी पोते बैठे और ये माँ बेटी बैठे, ये माँ बेटी बैठे और यहाँ पे अकेले बैठे हम लोग आ गए कन्नू वैसा के घर पे। और गेस व्हाट, घर आते ही ना मतलब हमेशा हमारा रुद्र करता है अनसेंदा पना, मतलब जो दूसरों को देखकर बच्चा रोने लग जाता है, ये नहीं रोया आराम से है, बट हमारी रिद्धि आते ही ना जैसे जमाईसा ने उसको खिलाया ना तो इतनी रोई बस पूछो ही, मतलब अभी स्टिल चुप नहीं हुई। हाँ तो मैं उस टाइम ना कन्नू वैसा के जो सासू जी हैं वो आ गए थे ब्यान जी सा, तो मैं वो क्या रिद्धि को बाहर घुमाने लेके गए थे कि वो चुप हो जाए, बट वो फिर भी चुप नहीं हुई और अब उसको वापस अंदर लेके उसको मैंने फीड कराया तब थोड़ी चुप हुई है। पर ये रही हमारी रीवो, देखो हेलो कर दो, हेलो हेलो सबको हेलो कर दो, नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं नहीं सब बच्चों को एक बात तो है फोन पसंद होता है, हर कोई फोन पे हाथ मारता है, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, देखो मम्मी सब चढ़ रही है ऊपर, ये फोन के लिए आई है मेरे पास, ये बात जा रही है ऊपर, मम्मी रिद्धि को लेके खड़ी है, इसको क्या पता है ना बेटा, ये तो खड़ी हो रही थी है ना, नहीं वो ये भी गोदी आएगी मेरे कन्नू भाई सा, हेलो कमागणी आज भाभी का बहुत दिनों बाद घर पे आए, एक साल वाले ना, दो साल हाँ बट नहीं नहीं रीवा में थी तब मैं आई थी ना, वेलकम किया था अपन ने, हाँ उसके बाद कभी नहीं आए क्योंकि उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी लगी थी, आप लोगों को नहीं पता था शायद मेरा 4th महीना था ना, हाँ उसके बाद फिर आए, फिर उसके बाद नहीं आई थी मैं, तब आई थी, अभी आए अब ये बैठ रहने लग गए जब आए, अब देखो फिर कब आना होगा, आएंगे आएंगे बोले रीवा जीजा के बर्थडे पे आएंगे अभी, हाँ रीवा का बर्थडे आ रहा है सितंबर में, अभी दोनों खेलने लगे हैं वरना रुद्र भी रोने लग गया था अभी थोड़ी देर बाद, तो रिद्धि भी अब दोनों राजी राजी खेल रहे हैं, ये वैसे करती नहीं है पता है किसी से देख के ऐसे, ये आज ही रोई है, एक दिन और रोई थी अपने उस दिन रोई थी, रुलाया करने से रोया मत कर, लड़कियां रुलाती है रोती नहीं है, कर दिया था ये देखो ये अपने मस्त खेल रहा है, कन्नू भाई ने इसको वॉकर में बैठा दिया, ट्राई कर रहे थे इसके पैर आते कि नहीं, इसके पैर आराम से आ गए, हॉल में छोड़ दो कनेसा, हॉल में छोड़ दो हॉल में, अरे रिद्धू अरे वॉकर में बैठ गया तो रीवा जी जाके आजा 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 चल आजा चलाओ तो इसको, हाँ ऐसे चलता भी है, आप पीछे सर कर, भाई रुद्र का नंबर आ गया, रुद्रू हाँ बेटा भाई चलना खुद को होता है, चलाते थोड़ी है भाई, तू तो पैर लटका दिया दे पैर तो लटका लिया ही, अरे कहाँ गए रिद्धू का, ये पोपोसा गंदे लगे अच्छे नहीं है, अरे बाप रे पोपोसा अच्छे नहीं है, ये चेक कैसे किया भाई, छूल है सोचा कि पिटाई करेंगे,
हमारी रिद्धि यहाँ आके और कुलदीप बना को देख देख के रो रही है। भाई चलो कन्नू थारो घूम तो ऊंचा कर थोड़ा सा ऊपर। हेलो सर भारा कन्नू थारो घूम तो ऊंचा करता है पसीना पसीने बहुत सारे आ रहे भाई उमस कितनी हो रही है। खाना वाना खा जाते नहीं कन्नू ने आज हमारे लिए पिज्जा मंगवाया था। अच्छा था बट कन्नू ने पिज्जा मंगवाया था भाई हमारे लिए पनीर पराठा पिज्जा। वाह तो हम लोग वापस घर आ गए और हमारा गब्बू उसको क्या हम बाहर छोड़ के गए थे बांधा नहीं था हमने क्या हो गया शुगर दिया आते तो हमने गब्बू को बाहर ही खुला छोड़ के गए थे गेट के पास। काकी साहब बता रहे बोले ऐसे बावड़ा हो गया इसको लगा कि हम सब छोड़ के चले गए बल्कि हम लोग पता है मतलब डेढ़ घंटे भी पूरे नहीं रुके हम यहाँ से 6 बजे गए थे और हम 7:30 बजे तो घर आ गए। तो बट होता है हम इसे कभी छोड़ के नहीं गए ना इसीलिए बात ही हमसे पहले जैसे हमने लॉक खोला ना हमसे पहले ये अंदर घुसा क्योंकि इसको बाहर गर्मी लग रही थी है ना। और दोनों बच्चे गाड़ी में सो गए थे जो कि बेस्ट है इस टाइम बच्चों को सोने का टाइम होता है 8। और भाई बस जवाई सा की तो जवाई सा अब ठीक है बस ना मतलब शोल्डर में लगी है तो उनके प्लास्टर लगा हुआ है बट रिकवर हो जाएगा ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और मिलके बहुत अच्छा लगा हमें कन्नू भाई सा से भी पूरी फैमिली से कन्नू से सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा ऐसे क्या जाते रहना चाहिए और खुद को भी अच्छा लगता है सामने वाले को भी अच्छा लगता है बस अभी ना। और दी जैसी मम्मी ने इसको तकिए पे लेटाई ये उड़ गई और जैसी जैसे मम्मी ने कि इसका डायपर खोला इसने सुसु कर दिया आज दी ये मेरे को बोल रहे तू मैं बिना बनियान क्या हूँ वो मुझे ऐसी ले ली अभी बनियान पहन ली ये देखो क्या हालत है ये देखो पाउडर में कैसे खेल रहा है अरे देखो हमारी रिद्धू को मैंने कहा बढ़िया ठंडे ठंडे लगा लो बेटा लगाओ आप ना अरे रे क्या कर रहे हो लगा ले गले पे ठंडा ठंडा मजे आएंगे कुछ क्या कर रहे हो आप ये भाई वेस्टेज जाएगा इससे अच्छा ना बच्चों के लगा ही देता हूँ पाउडर ये ले तू भी लगा ले पाउडर के अंदर मजे कर रहे हैं भाई इन्होंने देखो क्या किया है दोनों बच्चों को पाउडर में लीप दिए देखो और ये भी मस्त हो रहे हैं खेल रहे हैं इनको मजा आ रहा है मेरी बेटी देख कितनी खुश हो रही है इसने मेरे हाथ का मैंने इधर पहन रखा था ये बैंगल दीदी ने वो उतरवा लिया ये ले दू तू ले दुख 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 आप लड़ेंगे इसके कड़े के ऊपर ये देखो छीन लिया इससे वो लड़ाई हो गई अरे बेचारा बोलू से ले लिया तूने रिद्धू अभी 3-4 दिन से रिद्धू की थोड़ी तबीयत ऐसी थी ना ढंग से दूध भी नहीं पी रही तो मतलब पहले रुद्र से चीजें छीन लेती थी अपनी चीज देती थी आजकल रुद्र से चीजें छीन लेती है कुछ करती नहीं है रिएक्ट जाने देती है आज इसने मतलब अब लिया अपनी चीज ली है इसने वापस इसका मतलब आप सही है अपने फॉर्म में आ रही है रुद्रु को दो भाई रुद्र ले बेटा खिलौने आपके हाँ रिद्धु सारे उठा उठा के ले जाती तेरे ये एक कड़ा भी दे दो आप रुद्र को दो कड़ा रुद्र ले कड़ा ले कड़ा ये ले ले रिद्धि का कड़ा अब देख छीन लेगी इससे दे दे इसकी नजर वही है अभी कड़े पे वो गिर गया उठा लिया ये बस हो गया अभी मैंने रुद्र को खिलाई है ये प्यूरी और जिसमें ये हो गया परेशान क्योंकि अब इसको मतलब ये हाफ मतलब बोल से ज्यादा थी ठीक है तो इसने वो तो खा लिया बस अभी लास्ट के में नाटक करा तो मैं इसको नहीं खिला रही। आवाज ही निकालो ना बड़ा एक्साइट होता है ये हाँ मेरा बेटा खुश हो गया तू अब बच्चों का मालिश टाइम है भाई मालिश अच्छा अब हमारे बच्चों का स्लीपिंग टाइम है चेंजिंग टाइम अब इनको नाइट ड्रेस पहनाई जाती है मैंने डायपर पहना दिया पर इनका सारा ध्यान टीवी पर रहता है आजकल इनको डायपर पहना दिया डायपर क्रीम लगाई पाउडर लगाया अब मैं लगाती हूँ रोल ऑन कोमल ने दिया था ये टमी रोल ऑन है इसमें हींग और मतलब सौंफ वगैरह है जिससे बच्चों को गैस या पेट की दिक्कत नहीं होती मैं ये भी लगाती हूँ डेली रात को जब मैं नाइट ड्रेस पहनाती हूँ ना इनको तो मैं ये भी करती हूँ अब इनको चेंज करूँगी इनके कपड़े फुल स्लीव कपड़े पहनाऊँगी क्योंकि ऊपर के एसी में सोते हैं तो फुल स्लीव बेस्ट है सर रात का बज गया 10 और 10 बस टाइम आ गए इनका टोली सोबा की तैयारी रुद्र को तैयार कर रही थी उतने में ये रोने लग गया मतलब तैयार करते करते रोने लग गया फिर फटाफट इसको दूध पिलाया
और दूध पी के सो गया, इसका टाइम हो गया ना। अब हमारी दीदी साहिबा रेडी होंगी, मैं अब खाना खा रही हूँ। और आज हमारे खाने में बनी खिचड़ी, क्योंकि हम लेट हो गए थे। सादा खाना उच्च विचार, थोड़ा सा मैस है इसलिए मत देखो। मैस का ये दुनिया ही का है। मम्मी बोल रही खिचड़ी के साथ दही कौन खाता है, मैंने मुझे अच्छी लगती है। एक बात बता, मैस का यही कमाए ने तो दुनिया कौन सी कांटा छोड़ रही हूँ, कौन खिचड़ी खावे है बता। मैस का मतलब थोड़ा घिच पे चोरा है ना, सब यही खावे तो। तो ओहो सा आज को दिन, तो आज को दिन तो आते हो। सो दैट्स फॉर टुडेस व्लॉग। इंग्लिश बोला है? अच्छा हां बोलो यार, मारवाड़ी बनी बोला, इंग्लिश बोला। हां बोलो, आप बोलो। तो आज को दिन तो आते हो सा, और दैट्स ऑल फॉर द टुडेस व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह हंसते खेलते और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आज ही कटे गई मेरी बीट होगी, इतना धीमा हस्ती है भैया, पड़ोस में बगल में बैठे इंसान को भी ना सुनाई दे, इतना धीमा हस्ती है। धीमा भाई साहब हमारे, मेरा जवान, ये मैं तेरे पटका बजाऊंगा।